नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं CN24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। वैष्णव महासभा द्वारा जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य की 721वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मां रुद्रेश्वरी मंदिर सिंघोड़ा में आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहाँ वैष्णव समाज की महिलाओं द्वारा कार्यक्रम स्थल से माता कुंड तक कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री फुलझर राज वैष्णव समाज एवं छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य की 721वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मां रुद्रेश्वरी मंदिर सिंघोड़ा में आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां वैष्णव समाज की महिलाओं द्वारा कार्यक्रम स्थल से माता कुंड तक से वैष्णव कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम की शुरुआत कर पूरे वैष्णव विधि विधान से इष्ट देव श्री हरि विष्णु एवं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य की महाआरती व पूजा अर्चना की गई। वैष्णव समाज के लोगों और बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा रायपुर अन्नपूर्णा पन्ना दास वैष्णव ने जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य की 721वीं जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा से महान संत है, जिन्होंने हिंदू धर्म को संगठित और व्यवस्थित करने के अथक प्रयास किए। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को पुनर्गठित किया तथा वैष्णव साधुओं को उनका आत्मसम्मान दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे फुटका अंचल के अध्यक्ष मंगल दास वैष्णव और प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा रायपुर राकेश दास वैष्णव व प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा रायपुर सुरेंद्र बैरागी ने संबोधित करते हुए समाज को संगठित और सशक्त बनाने पर जोर देने को कहा और प्रदेश के तीनों पदाधिकारियों ने सभी नवनियुक्त वरिष्ठ युवा महिला जिला और ब्लॉक के पदाधिकारियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फुलझर फुटका महासमुंद रायपुर और प्रदेश के वैष्णव जनों की उपस्थिति रही। आज हमारा समाज एक बहुत बड़ा संकल्प लेने जा रहे हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में एक जो प्लास्टिक डिस्पोजल और बर्तन जो है उसको आज के दिन से हम एक बर्तन बैंक के नाम से स्थापना करना चाह रहे हैं, जो कि समाज के लोग उपयोग करेंगे और समाज के बाद में दीगर समाज भी अगर मान लो उसको लेना चाहे तो वह लेगा। वो एक रुपया के माध्यम से वह प्रत्येक बर्तन के हिसाब से एक रुपये के हिसाब से वह लेगा और देगा। पर्यावरण की दृष्टि से यह एक अच्छा निर्णय है और हम इसे ये संकल्प लेते हैं कि आज के दिन से हम आगे जो है प्लास्टिक का उपयोग ना करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें। बाजार जाएं तो कपड़े का थैला लेकर जाएं ताकि हम प्लास्टिक रूपी जहर को अपने घर में ना लाएं। विगत दिनों रायपुर में एक बैठक रखी गई थी छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा की, जिसमें निर्णय लिया गया था जितने भी पुण्य हमारे समाज के जगत गुरु हैं या राजा है महाराजा हैं उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उसी तारतम्य में आज महासमुंद जिला के ग्राम सिंघोड़ा में ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा के इकाई जो श्री श्री फुलझर वैष्णव महासभा द्वारा मनाई जा रही है और इसमें दूरस्थ आंचल और ब्लॉक गांव स्तर से माताएं बहनें आए हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष यहाँ जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती पहले भी मनाई जाती थी, आज भी मनाई जा रही है। आज मैं पहले बार उपस्थित हुआ हूँ, ये देखकर आज मैं बहुत ही खुश हूँ और भविष्य में आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग इस कार्यक्रम को मनाएं और इसी साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। और आज महासमुंद जिले की सिंघोड़ा में रामानंदाचार्य जी की जयंती मनाई जा रही है और हमारे युवा टीम बहुत ही उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, उनका गठन किया गया है और हमें आगे भी आशा है कि युवा और महिला दोनों साथ देंगे और हमारे जितने भी जयंती मनाई जाती हैं जैसे दिग्विजय दास जी की जयंती अभी रात नांदगांव में मनाई गई है, इसी तरह हम सभी सम्मानी व्यक्तियों का अपना जयंती मनाते रहेंगे। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN24।